हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी के लिए मोस्ट जो आपके 40 इंपॉर्टेंट या टॉप क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है वन बाय वन क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो काफ़ी कुछ आपको आ जाएगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो। तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, कैट्स एंड डॉग्स आर केप्ट इन द सेपरेट फैमिलीज, नेम द फैमिली ऑफ द कैट्स एंड डॉग्स। कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है उसमें कैट और डॉग को अलग अलग फैमिली में रखा गया है, तो कैट की फैमिली को क्या कहते हैं और डॉग की फैमिली को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो देखो, जो कैट की फैमिली होती है उसको हम लोग बोलते हैं फेलिडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिडी बोलते हैं। जबकि जो डॉग की फैमिली होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैनिडी। ओके, कैनिडी आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि डॉग क्या करता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो इसलिए उसको कैनिडी बोलते हैं और दूसरे वाले को फेलिडी बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द ओव्यूल या ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। तो देखो, इस तरह के पॉसिबल क्वेश्चन आते ही आते हैं कि आखिरकार मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि जो आपका ओव्यूल होता है वो आपके सीड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो सीड है वो बनता है ओव्यूल से और जो फ्रूट बनता है वो ओवरी से बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द स्टोमेटा ऑफ अ मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। कि आखिरकार किस तरीके से जो है मोनोकॉट और डाइकॉट की लीफ के स्टोमेटा को आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो, आपको क्या करना है, सिंपल सा उनके गार्ड सेल्स की जो शेप देखनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये मोनोकॉट लीफ है या डाइकॉट लीफ है। क्योंकि जो स्टोमेटा होता है आपके मोनोकॉट लीफ का, वो गार्ड सेल, उसकी जो गार्ड सेल्स होती हैं वो आपकी कैसी होती है, डंबल शेप में होती है। कैसी होती है, डंबल शेप में होती है। जबकि जो डाइकॉट लीफ के गार्ड सेल्स होते हैं वो बी शेप में होते हैं। तो इस तरीके से जो है चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट आर द टू कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइट। न्यूक्लियोसाइट देखो दो चीज़ों से मिलके बनता है और न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलके बनता है। तो न्यूक्लियोसाइट के आपको दो कंपोनेंट्स बताने हैं। तो जो न्यूक्लियोसाइट के कंपोनेंट होता है वो आपका होता है पेंटोज शुगर, जिसमें आपका क्या होता है, एक तो होता है पेंटोज शुगर, उसमें एक होता है ना पेंटोज शुगर होती है, और साथ में क्या होता है, एक नाइट्रोजिनस बेस होता है। प्लस में क्या लिख दोगे आप, नाइट्रोजिनस बेस, आपको इस तरीके से फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि व्हेन अ फ्लावर इज कॉल्ड मोनोसियस, उसका क्या मतलब है, और एक्टिनोमॉर्फिक इसका क्या मतलब है। तो जो मोनोसियस फ्लावर होते हैं, तो क्या होता है कि जब एक फ्लावर के पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही होते हैं तो उसको मोनोसियस बोलते हैं। मोनो का मतलब एक, मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट है। एक्टिनोमॉर्फिक में ये वो फ्लावर होते हैं जो कि रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बहुत सारे प्लेन से वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि नेम द फाइलम हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल। ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल है, और आपको मेजर कैटेगरीज ऑफ एनिमल उसके बताने हैं। राइट एनी टू स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एनिमल ऑफ दिस फाइलम, और आपको इस फाइलम के क्या करने हैं कि कुछ वैसे फीचर्स भी आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो सबसे आपका बड़ा फाइलम है वो होता है आपका ऑर्थोपोडा या इंसेक्टा का जो फाइलम है वो उसमें सबसे बड़ा है। उसके जो दो मेन फीचर्स होते हैं कि उसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं, है ना, कैसा लेग होता है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, कंपाउंड आईज होती हैं, है ना, कंपाउंड आईज होती हैं, और आपका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो काइटीन का बना होता है। मतलब कोई भी दो चार फीचर आपको लर्न कर लेना है तो आपका काम हो जाएगा। आपको देखो, ज़्यादातर जितने भी फाइलम्स हैं उनकी कुछ कुछ फीचर्स तो लर्न होने ही होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर द लाइकेन, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन क्या होता है, एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी एंड फंगी का। तो उसकी कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, एक तो होता है उसका फाइकोबायंट वाला कॉम्पोनेंट और दूसरा होता है उसका माइकोबायंट वाला कॉम्पोनेंट, ठीक है, माइकोबायंट वाला कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो आपका फाइकोबायंट वाला कंपोनेंट होता है उसको हम लोग एल्गल कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, तो उसमें जो एल्गी होती है उसको हम फाइकोबायंट कहते हैं, लेकिन जो माइकोबायंट होता है उसको हम फंगल कंपोनेंट कहते हैं। ओके, बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग आर इन द कॉकरोच, नेम द पार्ट ऑफ द थॉरिक्स फ्रॉम द ईच पेयर ऑफ द लेग अराइज।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। उसके कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं कॉकरोच में। फर्स्ट पेयर जो होता है उसको प्रोथोरिक्स बोलते हैं, ठीक है, उसको वो क्या होता है, प्रोथोरिक्स से अराइज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला सेकेंड पेयर होता है वो मीजोथोरिक्स से अराइज होता है, और उसके बाद जो थर्ड पेयर होता है वो आपका मेटाथोरिक्स से अराइज होता है। क्वेश्चन नंबर 9th है, आपको एक ड्रो फ्यूनेरिया जो होती है उसका एक वेल लेवल डायग्राम बनाना है गेमेटोफिटिक एंड सेप्रोफिटिक स्टेज में। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग प्लीज़ करके रिफ़र करिए, पेज नंबर 34 पे दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो वहाँ से आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेले, व्हाट आर इट्स कॉम्पोनेंट, कि स्टेले क्या होता है और आखिरकार इसके क्या कॉम्पोनेंट होते हैं। तो देखो क्या होता है कि जितने भी आपके प्लांट होते हैं तो जो रीज़न होता है एंडोडर्मिस के अंदर, ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी, मान लो ये एंडोडर्मिस है, इसके अंदर का जितना भी रीज़न है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं, स्टेले बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी टिश्यूज़ होते हैं मतलब अंदर की तरफ, उसको स्टेले बोलते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद इसके साथ ही एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टेंडन एंड लिगामेंट, और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो देखो टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ के एग्जांपल होते हैं। तो टेंडन जो होता है, जो टेंडन होता है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है। तो जो टेंडन होता है वो बेसिकली क्या करके रखता है कि मसल को बोन से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, मसल को क्या करता है, बोन से कनेक्ट करके रखता है। जबकि लिगामेंट जो होती है, जो लिगामेंट होती है वो क्या करती है, बोन टू बोन कनेक्शन बना के रखती है, ठीक है, बोन को बोन से अटैच करवाती है। तो आपको क्या करना है, ट्रिक याद रखनी है, MTB एंड BLB, BLB याद रखोगे मतलब बोन टू बोन कौन कनेक्ट करवाता है, लिगामेंट, और जो आपकी टेंडन होती है वो मसल को बोन से कनेक्ट करवाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11th है, व्हाट इज़ द ब्लड प्लाज्मा, राइट इट्स कॉम्पोजिशन, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, वो आपको लिखना है। तो देखो जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना, तो जो भी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ब्लड में, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के बारे में अगर कुछ और फीचर्स याद रखोगे कि ये स्ट्रॉ कलर्ड के होते हैं, ये विस्कस फ्लूइड होता है, 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम होता है, फिर 90-92% ऑफ इसमें वाटर रहता है, प्रोटीन कितना रहता है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा मिनरल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एंड हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। व्हाई इज़ द पैंक्रियास कॉल्ड अ कंपोजिट या ड्यूअल ग्लैंड, एक्सप्लेन ब्रीफली, पैंक्रियास को आखिरकार कंपोजिट या ड्यूअल ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो देखो जो पैंक्रियास होता है ना, उसको ड्यूअल या कंपोजिट ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन कर सकता है, और इसके अलावा क्या होता है कि वो एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करता है, मतलब उसमें से हार्मोन भी निकल रहा होता है, उसमें से डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो भी आपके निकलते हैं। तो जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है वो पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जबकि जो एंडोक्राइन होता है, एंडोक्राइन पार्ट जो आपका होता है वो हॉर्मोन्स को जो है रिलीज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 13th है, राइट द टू स्पेशल फीचर्स ऑफ द कैलिक्स, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम एज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला। तो आपको कुछ स्पेशल फीचर्स बताने हैं कैलिक्स का, एंड्रोशियम का, गायनोशियम का, इस पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला को देखकर। तो देखो जो के होता है वो फ्लोरल फॉर्मूला में किस चीज़ को शो करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कैलिक्स को। सी जो है वो दिखाती है जो है आपका सी, देखो सी तो कोरोला को दिखाती है, ए दिखाता है एंड्रोशियम को, और जी दिखाता है गायनोशियम को। तो स्पेशल फीचर ऑफ कैलिक्स क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, एक्सप्लेन अगर हम करें तो बोला जा रहा है कि जो दो सेपल्स हैं, ठीक है, दो दो सेपल्स हैं, मतलब टोटल सेपल्स जो हैं वो चार है वैसे तो, लेकिन वो दो दो के पेयर में, दो रिंग्स में है, और सेपल्स जो हैं वो कैसे हैं, पॉलीसेपलस टाइप के हैं, मतलब अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग हैं। उसके बाद स्पेशल फीचर ऑफ एंड्रोशियम क्या है, कि जो टोटल नंबर ऑफ एंड्रोशियम है वो आपके 6 हैं, लेकिन वो दो बंडल में है, एक तो डाइडल्फस कंडीशन है और एक आपका पॉलीडल्फस कंडीशन में है। स्टेमन जो है वो फ्री हैं एक दूसरे से, वो बंधे हुए नहीं हैं। उसके बाद गायनोशियम के बारे में बताएं, तो गायनोशियम में क्योंकि देखो यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका मतलब कि जो आपका कार्पल है वो आपका 2 है, जिसमें ओबरी सुपीरियर है, क्योंकि जी के नीचे आपका इस तरीके से बना हुआ है। तो जब नीचे बना होता है तो ओबरी सुपीरियर होती है, और ऊपर बना होता है तो इसका मतलब इन्फीरियर होती है। ओवरीज जो है वो आपके सिन कार्पस कंडीशन में, क्योंकि देखो उसके साइड में ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा सिंबल किस चीज़ को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ, कहता है राइट एनी 3 एनाटॉमिकल डिफरेंस इन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। तो मैंने आपको बोला था कि देखो मोनोकॉट डाइकॉट लीफ में, मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में, सॉरी मतलब जो आपके स्टेम में डिफरेंस होता है वो आपको याद करना है, साफ साफ बताया था, रूट में याद करना है।
मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में। तो इस तरीके से आपको सब कुछ याद होना चाहिए। जो मोनोकॉट लीफ होते हैं और डाइकॉट लीफ होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मेन एक दो डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। तो देखो, जो आपका मोनोकॉट लीफ होता है उसका स्टोमेटा गार्ड सेल जो होता है वो डंबल शेप होता है। ये एक बहुत ही प्यारा सा डिफरेंस है और बहुत ही ईजी सा डिफरेंस है। जबकि डाइकॉट में क्या होता है, वो आपका बीन शेप्ड होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हम लोग बता सकते हैं कि इसमें जो लीफ होती है वो पैरेलल वेनेशन की होती है मोनोकॉट में, और इसमें क्या होता है कि आपका रेटिकुलेट वेनेशन का होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके बुलीफॉर्म सेल होते हैं, तो डाइकॉट लीफ में जो बुलीफॉर्म सेल होते हैं वो एबसेंट होते हैं, वो कभी बुलीफॉर्म सेल नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके आ जाएंगे। उसके बाद आप आ जाइए, राइट द ऑल फॉर्म्स ऑफ RER एंड SER। SER और RER की वो फुल फॉर्म बतानी है। उसके बाद आपको उसके लोकेशन और उसका फंक्शन बताना है। तो ये आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर क्या होता है कि मतलब जो एंडोप्लाज्म, मान लो ये मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आपको। मान लो ये मेरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो स्मूथ कब होगी, जब इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो ये स्मूथ स्मूथ है, लेकिन अगर इसके ऊपर बीच बीच में ऐसे राइबोसोम आ जाए तो ये तो रफ हो जाएगा ना। तो जब राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग रफ कहते हैं, जबकि आपका अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम स्मूथ कहते हैं। और जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, स्मूथ स्मूथ चीज़ों को बनाता है, जैसे कि वो लिपिड को बनाता है। लिपिड क्या होता है, फैट होता है। फैट क्या होता है, ऑयल वगैरह घी वगैरह होती है। इस तरीके से याद करोगे तो याद रहेगा कि वो लिपिड को बनाता है। उसके बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या करती है, वो प्रोटीन को बनाती है। तो प्रोटीन कैसा होता है, इस टाइप का होता है प्रोटीन जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्रोटीन कैसा होता है आपका रफ, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम होता है प्रोटीन्स को बनवाना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, व्हाट हैपन्स टू दिस एक्टिवेशन एनर्जी जब हम एंजाइम को यूज़ करते हैं। आपको डिफरेंस बताना है कि जब हम एंजाइम को यूज़ करते हैं और जब नहीं करते हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि मतलब वो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड कि आपका जो रिएक्शन है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज में आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं किसी भी सेल में, तो सबस्ट्रेट को हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है ना। तो एक जो बीच की स्टेट होती है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच की इंटरमीडिएट स्टेज को में आने के लिए, मतलब क्या होता है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी, एटलीस्ट उतनी एनर्जी आपको चाहिए होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। और जब आप एंजाइम को यूज़ करते हो तो आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो घट जाती है। मतलब अब क्या होता है कि कम ही एनर्जी पे जो आपका प्रोडक्ट सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट के इंटरमीडिएट स्टेज में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेन डिफरेंस इन द माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। तो जो माइटोसिस होता है वो आपके सोमेटिक सेल में होता है ना, जैसे आपके जितनी भी सोमेटिक सेल है वहाँ पर हर जगह होता है, जबकि मियोसिस कहाँ होता है, वो तो सिर्फ ओवरी और टेस्टिस में होता है और कहीं पर भी नहीं होता है ना। उसके बाद आपका क्या होता है कि जो माइटोसिस होती है उसमें आपका मेन उसका कहाँ रोल प्ले है, उसका रोल प्ले है ग्रोथ में। मान लो बॉडी की ग्रोथ करानी है तो उसमें क्या होता है कि आपका माइटोसिस होती है ना, या रिपेयर करवाना है बॉडी का, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज़ होता है। जबकि यहाँ पर किस लिए यूज़ होता है, ये क्या करता है, ये गैमेट्स की फॉर्मेशन में आपका हेल्प करवाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, हम इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं जो माइटोसिस होता है, जबकि इसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है जो कि मियोसिस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस ऑफ लीव्स का क्या मतलब है और इसकी कॉसेस क्या क्या है। तो देखो, जो क्लोरोसिस होता है उसका मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाना, मतलब जो आपकी पत्तियां होती हैं वो पीली पीली पड़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि आपका सेल डेथ हो जाना, ठीक है। अब उसकी कारण क्या क्या है, किस मिनरल के कारण हुई है, तो वो आप एनसीईआरटी बुक से जाके लर्न कर लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, राइट द रोल ऑफ द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन इथाइलिन और एब्सेसिक एसिड का आपको फंक्शन लिखना है। तो ऑक्सिन का देखो मेन रोल होता है कि वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है, ठीक है। तो बता दोगे कि हाँ वो रूट मतलब वो क्या करता है, प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, एपिकल डोमिनेंस की तरह काम करता है। मेन पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इथाइलिन क्या करता है, गैसियस प्लांट हार्मोन होता है ना, और वो क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट करवाता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो ये सारे पॉइंट लिख दोगे। एब्सेसिक एसिड में लिख देना कि ग्रोथ का इनहिबिटर होता है, प्रमोट करता है सीड और वर्ड्स की डोरमेंसी में, और मतलब इन्हीं सब चीज़ों में स्ट्रेस हार्मोन होता है एक टाइप का। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ, तो कह रहा है यूनिपॉट एंटीपॉट और सिम्पोट में क्या डिफरेंस है ड्यूरिंग द फैसिलेटेड डिवीजन, सो दिस प्रोसेस बाय द लेवल डायग्राम।
तो यूनिपोर्ट क्या होता है कि क्या, जब कोई भी मान लो ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की मूवमेंट हो रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको यूनिपोर्ट कहते हैं। जब क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल, मान लो कि एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है उसके उसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सिम का क्या मतलब होता है, सिम का मतलब होता है जब टू मॉलिक्यूल जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं आपकी मेम्ब्रेन को। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म ग्रोथ। ग्रोथ को डिफाइन करना है कि आखिरकार ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ देखो इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है साइज ऑफ सेल में, उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो होता है वो मेजरेबल भी हो सक मेजरेबल होता है, आप मेजर कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि साइज़ तो इंक्रीज़ नहीं हो रही है या एरिया इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेम द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम दैट कमांड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को आखिरकार कौन कमांड करता है, तो ऑफकोर्स हाइपोथैलमस करता है, वो फोरब्रेन का पार्ट है। उसके दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है। तो जो एंटीरियर लोब होते हैं उसमें से काफ़ी सारा हार्मोन निकलता है, जिसमें आपका TSH होता है, ठीक है, और आपका ACTH होता है, थायरोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH होता है जो कि होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि जो पोस्टीरियर लोब होता है उसमें से सिर्फ दो ही हार्मोन निकलते हैं, दैट इज़ योर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है कि आपका ये तो हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। वेयर डज द स्मॉल इंटेस्टाइन एग्जिस्ट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। में स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफकोर्स एब्डोमन में ही होता है ना। राइट द नेम एंड रोल ऑफ द थ्री डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम का क्या फंक्शन होता है बताओगे। तो ड्यूडेनम देखो पहला पार्ट होता है जो कि सी शेप्ड रहता है, और उसके क्या क्या फंक्शन है, तो वहाँ से बहुत सारी जूसेस वगैरह निकलती है, वहीं पे पूरा डाइजेशन होता है। जबकि जो जियोजेनम होता है वो आपका मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और जो जियोजेनम होता है वहाँ पर क्या होता है कि आपकी डाइजेशन होती है। जबकि जो इलियम वाला पार्ट होता है वहाँ पर सारा का सारा एब्जॉर्प्टिव सरफेस होता है, तो वहाँ पर चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है। 23rd क्वेश्चन है कि व्हाट कंपोनेंट आर फॉर्म्ड व्हेन द हीमोग्लोबिन कंबाइन विद द ऑक्सीजन। तो जब हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है ऑक्सीजन से तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, जबकि CO2 से जब वो कंबाइन होता है तो कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बनता है। फिर कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ O2 एंड CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC ऑफ द ब्लड। तो जो ऑक्सीजन है वो 97% जो है वो आपका ट्रांसफर्ड मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है RBC से, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सिर्फ 20-25% ही होता है। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा से डिजॉल्व फॉर्म में कितना जाता है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो 3% जाता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 7% जाता है। तो आखिरकार रेनल फेलियर का क्या मतलब होता है, किडनी ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है, व्हाट नेसेसरी प्रिकॉशंस जो कि आपको ज़रूरी है जब आप मतलब ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो। तो रेनल फेलियर क्या होता है कि किडनी जब फेलियर हो जाती है अपने काम में, मतलब किडनी का काम क्या था, किडनी का काम था कि अपना जितना भी नाइट्रोजनस बेस्ड है उसको रिमूव करना, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही है तो हम कहते हैं कि किडनी फेलियर या रेनल फेलियर हो गया है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ता है, वो एक अल्टीमेट मेथड होता है उसकी ट्रीटमेंट का। तो उसमें आपको किसी दूसरे बंदे की किडनी क्या करते हैं कि हम उस बंदे में लगा देते हैं जिसकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई है, और ये क्या होता है कि सर्जिकली किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें रखने होते हैं, तो प्रिकॉशंस यही रखना होता है कि जो किडनी आप ले रहे हैं वो आपके क्लोज रिलेटिव से हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब आप अगर अपने रिश्तेदारों से लेते हैं। उसके साथ ही मैचिंग ऑफ ब्लड किया जाना चाहिए किडनी वगैरह को लेने से पहले, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसका डायग्राम बनाना है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, कहाँ पर होती है, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। तो देखो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ABC, जेंथोफिल, कैरेटेनॉइड्स वगैरह सब होते हैं। फिर आपका क्या होता है कि सारे पिगमेंट जो होते हैं अदर देन द क्लोरोफिल वो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं, उसको हम लोग एंटीना बोलते हैं। और इसका जो आपका डायग्राम है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आपको कर लेना है। लाइट रिएक्शन देखो फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें आपको सनलाइट की नीड होती है, जहाँ पर आपके क्या होते हैं कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। फिर जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर लाइट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है जो आपकी लाइट रिएक्शन होती है उसमें आपको ऑक्सीजन मिलता है, H+ आयन मिलता है, ATP मिलता है, प्लस NADP भी जो है वो आपको मिलती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।
आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।